आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में ये रंगीन गेट है। मैंने सोचा चलो औरंगाबाद में 52 गेट है, अब जो बचे कुचे गेट है उस गेट के सामने वीडियो को बनाया जाए, कि इस बहाने से ये गेट भी कहीं ना कहीं स्क्रीन पर दिखे और लोगों को मालूम हो कि भाई एक रंगीन गेट हमारे औरंगाबाद में है, या बहुत से गेट जो नहीं है ऐसा ये भी समझ में आता कि हुआ करते थे। तो कहने के हमारी निशानी ऐतिहासिक चीज़ें जिंदा है। एक मकसद ये भी था मेरा इस गेट के आसपास खड़रेक बनाने का। आज का वीडियो में जो ख़ास तौर से तमाम औरंगाबाद शहरियान के नाम बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी मुझे फ़ोन आए अलग अलग वार्डों से, काफ़ी लोगों ने मिल के बोला कि अंसार साहब हमारे वार्ड में आइए। मतलब भाई क्या बात है, कहीं को बुला रहे आप? तो बोले हमारे वार्ड में कोई कह रहा है 2 साल से गंदा पानी आ रहा, कोई कह रहा है कि नल बराबर नहीं आ रहा, कोई कह रहे हैं कि भाई अभी तक रास्तों काम नहीं हुआ, कोई कह रहे हैं कि भाई मतलब उद्घाटन हुआ तो पर काम नहीं हुआ, कोई कह रहे हैं कि भाई बस आश्वासन मिला। तो मैंने भी कहा कि भाई हम लगातार जब से हमने सोशल मीडिया शुरू किए हैं, पहले प्रिंट मीडिया में थे, अखबार में काम करते थे तो आर्टिकल लिख दिया करते थे, अब सोशल मीडिया का ज़माना है। तो मैंने काफ़ी लोगों से कहा कि यार मैं अब जो वार्ड की बात करें, वार्ड में मैं काफ़ी बार आया हूँ। नहीं यार बोले वो वैसा नहीं है, बोले कि आप ज़रा हम आपके चैनल से बोलना चाहते क्योंकि आप थोड़ा अच्छा बताते, अच्छा पूछते, अच्छा बोलते। तो मैंने कहा साहब मैं कोई बहुत बड़ा चैनल वाला नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा एंकर भी नहीं हूँ, ना बहुत बड़ा पत्रकार हूँ। हाँ एक बात है कि एक रहता ना समाज का दर्द, इंसानियत का दर्द, एक नाइंसाफ़ी का एहसास दर्द, वो होना चाहिए और वो मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। शायद ये वजह है कि मैं जब कुछ एंकरिंग करता हूँ, पत्रकारिता करता हूँ, तो मेरे अंदर जज्बात छलकते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं यार आप काफ़ी जज्बाती हो जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि साहब वो ऐसी पत्रकारिता क्या काम की, हाँ क्या बोलना है आपका और बात ख़त्म, ये तो कोई बात ही नहीं। अरे भाई आप जब चौथे स्तंभ के सिपाही है, आपको बोलने का कानून के दायरे में एक अधिकार है और आप जनता की आवाज़ उठाते हैं, तो आपको तो जनता के दर्द के साथ जो आवाज़ बोल रहे हैं आप, तो उसके अंदर दर्द को भी शामिल करना पड़ेगा ना, दर्द के साथ बोलना पड़ेगा। अगर भूखा मर रहा है तो उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, कैसा दर्द को एहसास बताना चाहिए, तो वो प्रशासन समझ में आता है, आधिकारिक समझ में आता है, या नेताओं को समझ में आता है, ये फैक्ट है। अब अगर कई भूखे मर रहे हैं, अगर मैं इसको अगर रिपोर्टिंग इस तरह से करूं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, फुलंबरी के अंदर सूखे पड़ने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। अब ये बात तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं उसको इस तरह से कहूं कि फुलंबरी के अंदर दुष्काड़ी के अंदर गरीब लोग की जाने जा रही हैं और प्रशासन क्या कर रहा है या नेता क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल, तो कैसा लगता है ना कि झुंझुंडने वाली बात। तो लोग कहते हैं भाई आप अच्छा बोलते हैं, करते एग्जाम्पल दिया था, खैर अब मेरा मेन वीडियो शुरू हो रहा है। अब देखिए बात यह है कि औरंगाबाद में 115 वार्ड है। अब काफ़ी लोगों ने कहा कि हमारे वार्ड में आइए, हमारे वार्ड में आइए, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है। तो मैंने कहा देखो साहब, क्योंकि जो काफ़ी जो फ़ोन आए वो पूरे ज़्यादातर मुस्लिम इलाके के थे, कोई दलित बस्ती के भी थे। तो मैंने कहा देखिए आप देखिए जो लोग सप्ताह में होते हैं ना, तो आपको उनके साथ चलने की आदत डालना पड़ेगी, तो आपके विकास के काम होंगे, ये आपको फैक्ट है। अब औरंगाबाद में 3 आमदार है, बीजेपी के अतुल सावे साहब हैं, उसके बाद प्रदीप जायसवाल साहब हैं, संजय सिरसाठ साहब हैं, और ये तीनों के जो आमदारगी का क्षेत्र है इस पर 115 वार्ड आते। अब भाई मैंने उनको बोला कि ये लोग मंत्री है, ये लोग करण के आमदार है और महाराष्ट्र में सरकार इनकी है, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो इनके पास जाना पड़ेगा आपको। अब आप बोलते हैं कि नहीं हिंदू मुस्लिम एकता का नारा लगता, नहीं हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, तो ये जमने वाला नहीं है। अब ये पहले चल गया 5 साल 10 साल पहले, अपना चुप चुप की बात है, आप लोग प्रैक्टिकल देख रहे। मैं एक एग्जांपल देता, अगर कोई आपका दोस्त बोले कि मैं तेरे लिए जान देता हूँ, दे सकता हूँ, मैं तेरा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, और वो समझो पैसे वाला दोस्त है, और आप भूखे मर रहे परेशान है, आपको 100 रुपये देने, आपको उन्हें 100 रुपये की मदद नहीं करा, तो आप क्या बोलेंगे, तू कहेगा मेरा दोस्त है? एग्जाम्पल समझ में आ रहा ना आपको? तो कहने का मतलब क्या है कि भैया आज आमदार है, अभी आमदार है ना, तो इनके पास जाना पड़ेगा, महल्ले के 4-5 लोग मिल के जाओ, मस्जिद की कमेटी के लोग मिल के जाओ, बोला साहब हम फला फला वार्ड से आए हैं, आप हमारा काम कीजिए, हमारे वार्ड का विकास का काम है, रास्तों का काम है, पानी का काम है, ड्रेनेज का काम है, अगर महानगर पालिका के पास फंड की कमी होती है हम देखते हैं, तो फिर आमदार का फंड आता है, तो आमदार के फंड से बहुत से विकास के काम हो जाते हैं, ये कड़वा सच है। वो करने को बैठे हुए
मेरे कई बीजेपी के शिवसेना के कार्यकर्ता तो अच्छे ताल्लुक आते, हमारी चर्चा होती कभी चाय पानी पीते वक्त, वो बोलते अंधेर साहब आपके लोग आते नहीं, बोले यार आपके लोग आए तो बोले कि हमको इतने कट्टर थोड़ी, बोले यार कि अगर मुसलमान आए तो बोलेंगे अरे हट हट हका लो हका लो हका लो, अरे हम तो खुश हो जाते, बोले यार हम तो खुश हो जाते आओ आओ बोल के। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, अपनी सोच को बड़ी करना पड़ेगी, और एक तंग नजरी है, जैसा जैसी बीजेपी का नाम आता शिवसेना का नाम आता तो हम थोड़ा सा सहम जाते, या थोड़ा सा पता नहीं ऐसा एक ना पहले बार छूत छात की एक बीमारी बोलो या कैसा वो था ऐसा महसूस होता, क्योंकि मैं भी मुसलमान पत्रकार हूँ और मैं भी मुस्लिम समाज के बीच में घूमता हूँ तो मुझे भी मालूम है कि क्या चलता है, ज़्यादातर तो ऐसे ही देखने में आता है। तो भैया मेरी आपसे गुजारिश है जहाँ भी ऐसी वार्ड की समस्या है ना, रास्तों की है, पानी की है, लाइट की है, तो आप आमदार साहब के पास जाइए, महल के बुजुर्ग लोग समझदार उनके जाइए, बोला साहब आप हमारे क्षेत्र के आमदार हैं, उनको अपने वार्ड में लाओ, उनकी गुलपुशी कराओ, उनके हाथ से उद्घाटन कराओ। और ऐसा नहीं खाली उद्घाटन करा लिए, बेचारों ने 50 लाख की निधि दिए, 30 लाख की निधि दिए, और बाद में चुनाव आ गया तो फिर अपना जान दो है कहाँ बीजेपी गोड़ मारते कहाँ शिवसेना गोड़ मारते, नहीं साहब ऐसी बात नहीं। देखिए जब हम नज़दीक आएंगे ना तो हमारी गलत फहमियाँ दूर होंगी, हमारी मोहब्बतों में इजाफा होगा। अब आपको मैं एक ही एग्जाम्पल देता, कभी आज से 15-20 साल पहले पीछे चले जाइए, जब शिवसेना का नाम आता था तो मुसलमान ऐसा डर महसूस करता था, अरे अब आप शिवसेना यानी ऐसा, क्योंकि दंगे याद आते थे, फिसाद याद आते थे, एक थोड़ा जातिवादी याद आती थी, अरे ये आपको ऐसा महसूस होता था। लेकिन जब से महाविकास आघाड़ी बनी, जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना का एक युति बनी, तो कहने की शिवसेना के भी एक चेहरा बदला, उद्धव ठाकरे साहब का बोलने का अंदाज बदला, आज वो मुसलमानों के फेवर में बात करते हैं। अभी देखो एक एग्जाम्पल उसका बहुत बड़ा कि जिस औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर एक पूरी गंदी राजनीति हो रही है, एक वली सिफत बादशाह के बारे में पता नहीं कहा क्या क्या कहा जा रहा है, लेकिन जैसे प्रकाश अम्बेडकर साहब फुलदाबाद शरीफ जाते हैं, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जो है तो वहाँ पर मजार शरीफ की ज़ियारत करते हैं, तो क्या होता है कि अचानक सुर बदल जाते हैं, यानी ऐसा लग रहा था कि वो होने के बाद यूजी टू जाएंगी, पता नहीं प्रकाश अम्बेडकर के बारे में लोग क्या क्या बोलेंगे, धरने हो जाएंगे, मोर्चे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यानी इससे समझ में आता कि एक मतलब कितना जहन बदला, सोच बदली। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम भी हमसे मुराद बोले तो मुझसे मत, देखिए ना मैं बीजेपी का कोई एजेंट हूँ, ना मैं शिवसेना का एजेंट हूँ, ना मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, ना क्या कुछ हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि भाई मैं पत्रकार हूँ, लेकिन पत्रकार का भी एक धर्म होता है, एक समाज होता है, या तो वह हिंदू होता है, मुसलमान होता है, दलित होता है, जो भी होता है, तो जो समाज का होता है, जिस धर्म का होता है, तो कहने के उसको अपने धर्म से समाज से प्यार भी होता है। अगर उसके धर्म के ऊपर कोई अन्याय हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रहा है, तो उसका दिल दुखता है। और ये नहीं सरल बात है, अगर कोई पद पे है, कोई नेता है बोलिए, पत्रकार है बोलिए, या अधिकारी बोलिए, अगर उसके समाज पे अगर कोई वाकई में जुल्म हो रहा है, अगर वो उसके लिए कुछ कर सकता है, अगर वो नहीं कर रहा है, तो बताइए फिर वो क्या काम का व्यक्ति। ये एक नेचुरल बात है जो समाज में चर्चा का विषय बनी रहती है, मैं वो कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या, मुसलमानों को चाहिए कि भाई अब देखिए अतुल सावे साहब है, जयसवाल साहब, इनके पास जाओ आप, बोला साहब हमारे वार्ड में स्टेड मतलब ग्राउंड नहीं है, महानगर पालिका के स्कूल नहीं है, या कॉर्पोरेशन का दवाखाना नहीं है, ये देने को बैठे हुए, लेकिन ऐसा जाओ कि उनको लगे कि नहीं यार हमारे पास आए तो ये हमारा वोट बैंक भी बनेंगे, क्योंकि नेता का जनता का ताल्लुक वोट बैंक का रहता, ये वोट बैंक का था, ये ऐसा नहीं रहता कि ये दीन धर्म का काम नहीं है, बोलते ना भाई नेक काम करो तो रात के अंधेरे में करो, कौन सिर्फ अल्लाह ने देखना किसने देखना नहीं, या नेक काम करो तो ये हाथ से दो तो ये हाथ को मालूम नहीं पड़ना, ये सियासत राजनीति उसका काम नहीं है। सियासत में सब दिखावा होता है और दिखावा पे अमल भी होता है। अगर आप जाएंगे उनको लगेगा नहीं यार ये आज हमारे पास फला फला वार्ड से 1000 लोग आए, 500 लोग आए, अरे आने वाला वक्त हमारे वोट बैंक भी बनेंगे, वो आपका काम करेंगे ना साहब, वो आपका काम करेंगे। अब आप बोल रहे हैं यार ये बंदा तो बहुत खुल के बोल रहा, शिवसेना के फेवर में बोला, बीजेपी के फेवर में बोला, तो अब जो लोग ऐसा सोच रहे होंगे या हो सकता है कि उसको गुस्सा भी आ रहा होगा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि साहब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप नेता है, कार्यकर्ता है या आम आदमी है, तो 15-20 साल से खासकर मुस्लिम वार्डों का विकास क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, और शहर में पूरे वार्ड में चल जाओ आप, चलो आप जाके देखो ना, वहाँ के चकाचक रोड है, का एकदम हर काम हो रहे, तो वहाँ कैसे हो रहे, यहाँ क्यों नहीं हो रहे, यहाँ के लोग टैक्स नहीं दे रहे क्या, टैक्स नहीं भर रहे क्या, पानी का लाइट का नहीं दे रहे क्या, दे रहे, तो फिर ये क्यों, ठीक है भाई इलेक्शन आ गए थोड़ा बहुत बोल बचन कर दी बात अलग हो जाती, लेकिन जब विकास से काम हो रहा था फिर वहाँ पर भेदभाव नहीं होना ना, पूरे पूरे काम होना,
आप जाके देखो आप वार्डों के अंदर, कोई कह रहा है 3 साल से नहीं हुआ, कोई बड़ा 5 साल से नहीं हुआ, कोई बड़ा 8 साल से नहीं हुआ, कोई बड़ा 2 साल से नहीं हुआ। तो भाई क्यों नहीं हुआ? ठीक है, अगर अगर ये जहन में बात आ रही होंगे चुनाव नहीं हुए कॉर्पोरेशन की, बात सही है। अरे कॉर्पोरेशन चुनाव नहीं है तो आमदार है ना, आमदार का अपना दबदबा रहता है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है तो ये कर सकते। अब इसका एक और उदाहरण देता हूँ, संभाजी नगर औरंगाबाद, हालांकि इससे ये कंसर्ट अलग है, हालांकि कोर्ट क्या उदाहरण है सारी बात है, लेकिन लिखा आ रहा ना कई बसों पे सर जैसा पेपरों में आ रहा, तो ऐसा रहता। अब वो जा चल रही, वो जो भी हो रहा कोर्ट का शुरू, लेकिन देखो जब काम करने वाले आए ना फिर लोग सब भूल जाते। ये एक उदाहरण बोला मैं, आप समर्थन नहीं कर रहा, कहने का मतलब ये है कि देखो आपको खुले मन से आगे आना पड़ेगा। जैसे हम कलेक्टर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, विभाग आयुक्त साहब, इनके पास जाते ना बड़े सम्मान से जाते, इनकी रिस्पेक्ट करते, निवेदन देते कि साहब हमारा काम करो, वहाँ एक पल के लिए सोचते कि यार ये कौन है, हिंदू है क्या है। मैं जातिवादी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम ऐसे समाज में रहते हैं, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर 80% अब जो आबादी है या 90% वो हमारी अलग मेजोरिटी की है, हिंदू भाई कह सकते हैं हमसे, और हम 25% में 20% में। तो कहीं ना कहीं आपको प्रशासन के माध्यम से बोलो, राजनीति के माध्यम से बोलो, आपको जुड़ के चलना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि अछूत हम उनके पास जाते नहीं, तो भैया फिर आपका काम होता नहीं, आपका काम होता नहीं। और फिर हमारे पास लीडरशिप जो है ना, बहुत कम लीडरशिप ऐसी है जो ताकतवर है, तो उनके जरिए काम भी नहीं होते। फिर वो बोलते हम सरकार में नहीं है, ये सरकार हमारी नहीं सुन रही, ये हमको फंड नहीं आ रहा, ये आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार में भी आता। अब सवाल ये, अगर मैं नेता हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरे को फंड नहीं मिला, फिर मैं नेता किस काम का? समझ रहे ना मैं क्या बोलना चाह रहा? तो भाई काम होना, पब्लिक क्या बोल रही है कि हम गरीब दुबले हैं, हमको टाइम पे पानी होना, हमारे रास्ते सही होना, हमारे वार्डों में स्कूल होना, गार्डन होना, हमारे साथ इंसाफ होना, सही टाइम पे राशन मिलना, जो हमारी मूलभूत अधिकार है संविधान ने दिया है वो हमको मिलना, क्योंकि लोग तो मेहनत मजदूर करके खा रहे, ये कड़वा सच है। वो नौकरी नहीं मांग रहे ना आप, अब तो मुसलमान समाज तो नौकरी आज भी नहीं करता, वो भूल गया। वो उन्हें बोलता नको भाई, वो लाखों करोड़ों में सोच रहा हूँ कि मैं सरकारी नौकरी पर जाऊँगा, लोग बोले भाई चटनी मिर्ची कमाएंगे कहेंगे खुश रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि साहब जिस बस्ती में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, वहाँ के लाइट अच्छे हों, वहाँ के रास्ते अच्छे हों, वहाँ पीने का पानी आए तो डेनिश पानी मिला के ना आए, एक एक घंटा छोड़ना पड़ता, वो पानी पी रहे बीमार पड़ रहे, पेपरों में आ रहा, सोशल मीडिया पर आ रहा, अब कहाँ कहाँ जाना जनता ने? और ऐसा नहीं सोल्यूशन नहीं है, अगर आमदार निधि से सरकार से अगर फंड आ जाए तो काम क्यों नहीं हो सकते? जब स्मार्ट सिटी के नाम पर, जब बाहर के विदेश G20 के नाम पर करोड़ों रुपया आया था, एक महीने में औरंगाबाद कैसे का हो गया था, चकाचक रोड, ये वो बैनर, ये हुआ था ना, ये औरंगाबाद शहर ने देखा। तो सवाल ये है कि जब एक महीने के अंदर पूरे शहर का नक्शा बदल सकता है तो फिर ये विकास के काम क्यों नहीं हो सकते? ये होना चाहिए और ये जनता का अधिकार है। तो भाई एक ही बात है कि जो लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे, जो मुझे मिलके बोल रहे थे हमारे वार्ड में आओ, हमारे वार्ड में आओ, मतलब भैया मैं क्या करूं और कहां कहां जाऊं? फिर एक जहन में आया कि नहीं यार, अब जनता को जागरूक करना पड़ेगा कि जो नेता कुर्सी पर बैठे हुए रहते हैं, जो सरकार में रहते हैं, तो आपको उसके तालमेल अच्छा रखना पड़ेगा, आपको तालमेल अच्छा करना पड़ेगा तो आपके काम होंगे। क्योंकि वो आमदार है, मामूली नहीं है, वो नगर सेवक नहीं है, क्यों मोहताज है सरकार के? नहीं। और ख़ास बात क्या है कि आप सरकार में हैं, दबदबे में हैं, अगर उनको लगेगा कि नहीं यार हमारा वोट बैंक हो रहा, मजबूत हो रहा और मन परिवर्तन हो रहा, तो वो आपके काम क्यों नहीं करेंगे? और वहाँ जाने से ऐसे छोड़िए कि हम मुसलमान हिंदू बन जा रहे, ये वो आपको बोले नहीं भाई टोपी पहन के मत आओ, दाढ़ी रख के मत आओ, नेहरू शर्ट पजामा पहन के मत आओ, ऐसा तो नहीं बोले ना कि सुरमा लगा के मत आओ, कि इतर लगा के मत आओ, ये कोई अरबी रुमाल डाल के मत आओ। ये मैं आपको मोटी मोटी दिमाग से बात कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इतने खुश हो जाते हैं, उनके ऑफिस में कहते बोलते बैठो बैठो बैठो, चाय पियो पानी पियो, क्योंकि उनको यकीन नहीं होता कि मुसलमान हमारे पास आए। तो भैया मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि मैं ना शिवसेना समर्थक है, ना बीजेपी समर्थक है, मेरा एक ही मकसद है कि भाई जिस समाज के मैं दरमियान में रहता हूँ, जिस समाज से मैं आता हूँ, और जिस समाज की मैं तकलीफ़ देख रहा हूँ, पानी की, लाइट की, रास्ते की, एजुकेशन की, महानगर पालिका की, शादी खाने की, तो मुझे तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ होती है, दिल में ख्याल आता है काश मैं बड़ा कोई लीडर होता तो करके बता देता, करके बताता, करके बताता कि भाई काम ऐसे भी होते हैं, मगर करने का जुनून होना चाहिए। ये लीडर से मुझे एक बात याद आ रही, मैंने काफ़ी साल पहले एक किताब के अंदर वाक्य पढ़ा था, एक मुस्लिम हमारे देश के मेरे ख्याल से वजीर गजाई थे, खुदवाई साहब के ऐसा कुछ नाम था, देखो उनका रिकॉर्ड पे नाम है, यानी देश का एक बहुत बड़ा मिनिस्टर, मुस्लिम मिनिस्टर, और उसका इंतकाल होता है तो अखबार में भी आया था और एक किताब में लिखा हुआ था
कि उनके पास कफन को पैसे नहीं थे। अरे सच्चाई है, कफन को पैसे नहीं थे तो उनके कुछ दोस्त अहबाब रिश्तेदार ने पैसे जमा करके उनके कफन दफन इंतजाम करे थे। अब देखिए अपने वक्त का एक इतना बड़ा एक मिनिस्टर कह सकते हैं और उसके पास कफन को पैसे नहीं, तो कहने का मतलब क्या है? अगर हम ये जुनून से काम करें अगर नेता कि भाई हमारे कफन को नहीं तो नहीं, हम ऐसे चले जाएंगे, अल्लाह हमको जन्नत में घर बनाएगा, कैसे काम नहीं होते? काम होते साहब, सिर्फ बस ये जमीर को मानना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा मुझसे ये अरे बीजेपी वाला है बड़ा नेता है मैं उनके सामने झुकू कैसा या मिलू कैसा, नहीं। अगर मैं लीडर रहता तो बिल्कुल जाता था, साहब आपको काम करना पड़ता, मेरा काम करना पड़ता साहब आपको, आप मेरे नेता है आपको करना पड़ता, बिल्कुल काम होता। अगर मैं नेता होता तो मैं ये काम करता, मैं एग्जाम्पल दे रहा। लेकिन यहाँ कैसा हो रहा है कि पार्टी पार्टी वो उसको बुरा बोला वो उसको बुरा बोला, तो अब जाहिर सी बात है भाई अगर मैं किसको बुरा बोला अगर मैं किसको बुरा बोला और फिर खामोशा बोला यार मैं परेशान है मेरे को मदद करते क्या, तो कैसा लगता है सुनने में बोलने में? एक मोटे दिमाग से बोल रहा मैं आपको। तो कहने का मतलब क्या है कि आप मुसलमानों को खुद अपने अंदर इनकलाब पैदा करना पड़ेगा। और आप बोलेंगे कि भाई हमारे नेता है कार्यकर्ता है पार्टी है, तो कुछ सच्चा नहीं भाई, कुछ सच्चा नहीं, क्योंकि मैं भी समाज से आता हूँ, मैं भी वोटर हूँ, मैं भी एक आम नागरिक हूँ, मैं भी परेशानियों से जूझ रहा हूँ, तो ये जनता की भी आवाज़ है और मेरे दर्द की भी आवाज़ है। तो आप बदलो, आप बदलेंगे आपके विचार बदलेंगे आपकी सोच बदलेंगे देश बदलेगा और आपके साथ इंसाफ भी होगा और इंसाफ करने बैठे हुए। और महाराष्ट्र में कैसा है कि भाई आज माहौल साजगार है, माहौल मतलब तनावपूर्ण भी है लेकिन साजगार भी है। अगर आप थोड़ा यू टर्न लेते हैं तो वो आपसे कुछ जाती उनको दुश्मनी नहीं है। और अक्सर लोग सुनते हैं कि भाई चुपचाप बोलना पड़ता है स्टेट पर बोल देते सच्ची छुड़ी ऐसा होता, ये आप सुनते भी हैं, हमने भी सुना है आपने भी सुना होगा, तो फिर ड्रामा कह को भाई ईमानदारी से जाओ अल्लाह के भरोसे पे जाओ, दिलों का हाल बदलने वाला अल्लाह ताला है, उनके दिल में रहन दलना अल्लाह ताला है। तो उम्मीद करते हैं अगर आप उनके पास जाएंगे और ईमानदारी से जाएंगे वफादारी से जाएंगे तो आपके वार्डों का इनकलाब होगा, आपके वार्ड के वार्ड में विकास होगा, क्योंकि वो आपके क्षेत्र के आमदार हैं, चाहे प्रदीप मिश्र साहब रहो या फिर अपने अतुल सावे साहब रहो या संजय सिद्धार्थ रहो। अगर आप इनके पास जाएंगे नहीं और बोलेंगे भाई यार कार्पोरेशन का फंड नहीं है तो फिर परेशान होते रहो, अरे हमारे नेता है हमारे आमदार, आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। आप जाएंगे ताल्लुकात बढ़ेंगे हमदर्दियाँ बढ़ेंगी भरोसा बढ़ेगा मन मिटाव होगा नफरत की राजनीति खत्म होगी, कहने की थोड़ी बहुत जातिवाद की जो तस्वर पाया जाता है वो खत्म होगा और बहुत सी बातें खत्म होंगी। वक्त वक्त के साथ साथ बोलते हैं ना बड़े बड़े जख्म भर जाते, तो ये हो सकता है क्योंकि आप इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि चुनाव आएंगे फिर ऐसा होगा, नहीं, फंड की चाबी उनके पास ही रहती है। बोलते हैं ना जिसके पास तिजोरी की चाबी है अगर वही अपना दोस्त बन गया तो आपकी मदद कर सकता शासन लेवल पर। अगर लाख आपका है आप बड़े चुनाव हो जाएंगे सब हो जाएंगे लेकिन तिजोरी की चाबी बंद है और तिजोरी बंद है पैसे कहाँ से आएंगे? यानी कोयने के बहाने से ये नहीं है वो नहीं है मीटिंग होंगी ऐसा होगा अगले बजट में अगले फंड में होते होते दो पाँच साल, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, आज मेरी उम्र 52 साल है तो मुझे 20 साल छोड़ दीजिए लेकिन मैं भी 30-32 साल से देख रहा कि कैसे कैसे वादे होते हैं कैसे कैसे आगे बात बढ़ती कैसे कैसे बहाने से बात टल जाती विकास से काम रुक जाते। सवाल ये है कि अगर यही पार्टियाँ जिन पे मुसलमान भरोसा करते आए नेताओं पे वही अगर सच्चे पक्के रहते तो आज ये बुरा हाल क्यों होता? इसका क्या जवाब है आपके पास? तो उम्मीद करते हैं कि भाई देखो भाई मानता मैं आपको मेरी बात काफ़ी आपको किसी को बुरी लग रही होंगी लेकिन सवाल में एक बात है भाई, अब जिसको बुरी लग रही ना तो उन्हें आगे बढ़ के काम कर देना भाई या करा के दे देना बात खत्म। मैं किसके तरफदारी नहीं कर रहा क्योंकि मैं खुद पढ़ रहा हूँ कि मैं खुद सलाम बस्ती बीच में रहता हूँ, मैं भी परेशान हूँ मेरे वार्ड में गली में रास्ते में पानी में मैं भी खुद परेशान हूँ, तो मेरा भी कोई अधिकार है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कि मैं पत्रकार अब किसी समर्थन कर रहा, ऐसी बात नहीं है। अब जिसको बुरा लग रहा या तो आगे बढ़ के काम करा दो या नहीं तो मुसलमानों तुम जागो, अब ये सदा है आवाज़ है, अब इसको अच्छी समझो बुरी समझो ये तुम्हारी जवाबदारी। लेकिन मुझे दिखा कि भाई इनकलाब होना चाहिए परिवर्तन होना चाहिए उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। अब आँखें बंद करके आप सोचो कि हम क्या कर सकते हैं, ये करना ज़रूरी है या नहीं? आप देखते रहिए SDN News चैनल।